एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, लेकिन टायर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाड़ी में टायर क्या करता है दोस्तों, व्हीकल के लोड को सपोर्ट करता है और फिर रोड में जो भी शॉक से उसको एब्जॉर्व करता है और फिर डायरेक्शन गाड़ी का वो भी मेंटेन करता है। लेकिन दोस्तों, टायर में आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते हैं। क्या ये नंबर दोस्तों ऐसे ही लिखे रहते हैं रैंडमली? नहीं दोस्तों, इस नंबर में का कुछ सिग्निफिकेंस रहता है। कहने का मतलब है, ये जो नंबर है उससे आप पता कर सकते हो कि आपका टायर जो है उसका चौड़ाई कितना है, उसका इनर डायमीटर कितना है, वो कौन से साल में बना है, वो कौन से वीक में बना है, ये सारी डिटेल्स आप जान सकते हो इसी नंबर से। ओके, तो ये नंबर क्या क्या डिनोट करता है वो सही से अगर आपको पता हो तभी जाके आप जान पाओगे ना कि ये कौन से साल में बना हुआ है या उसका डायमीटर क्या है वगैरह वगैरह, आप ये सब जान पाओगे। ओके, तो ये सब दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि दोस्तों आगे जाके मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन दोस्तों डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये सब नंबर्स के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर से ऐसे एक टायर लिए है। ओके, इस टायर में ऐसे आप नंबर देख रहे हो, बहुत सारे नंबर्स ऐसे लिखे रहे, लेकिन हर एक नंबर कुछ ना कुछ डिनोट करता है जिससे आपको टायर के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है दोस्तों। तो पहले हम लोग पहला नंबर जो है 195 लिखा है, वो क्या डिनोट करता है पहले उसको जान लेते हैं। देखिए 195, ये जो 195 है ना, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो टायर लगा हो रहा है गाड़ी में उसका चौड़ाई कितना है, उसका चौड़ाई कितना है, आप देख सकते हो उसका चौड़ाई कितना है वो दर्शाता है। और ये जो 195 लिखा हुआ है ना, वो मिलीमीटर में दोस्तों लिखा हुआ है, दिस इज 195 मिलीमीटर। ओके, दिस इज द नॉमिनल सेक्शन विड्थ ऑफ द टायर। कहने का मतलब है आपका टायर का विड्थ कितना है, 195 mm। ओके, अब समझ रहे हो बात को, ये दर्शाता है टायर की चौड़ाई को इंडिकेट करता है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट नंबर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 55। ओके, तो ये 55 दोस्तों क्या दर्शाता है? देखिए, ये दर्शाता है 55% एस्पेक्ट रेशियो, ये एस्पेक्ट रेशियो दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या है, आम आदमी क्या समझ सकता है ये एस्पेक्ट रेशियो क्या है? कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए, आप ये 55% एस्पेक्ट रेशियो मतलब 55% ऑफ 195 mm आप कीजिए। ओके, 55% ऑफ 195 mm आप कीजिए तो कितना आएगा आपका, 107.25 mm। ये जो 107.25 mm आएगा, ये होगा दोस्तों इसका हाइट ऑफ द टायर साइड वॉल। ओके, हाइट ऑफ द टायर ऑफ द साइड वॉल, साइड वॉल का हाइट कितना है, टायर का साइड वॉल का हाइट कितना है दोस्तों, 107.25 mm है। ओके, इससे आप पता लगा सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया है, ये जो 55 है, ये 55% एस्पेक्ट रेशियो है, मैंने क्या किया है, 55% ऑफ 195 mm किए है। ओके, ये जो नंबर लिखा होगा उसका 55% ऑफ 195 mm आप कीजिए तो कितना आएगा, 107.25 mm। तो ये 107.25 mm इज द हाइट ऑफ द टायर साइड वॉल। ओके, नेक्स्ट आर, ये आर का मतलब दोस्तों क्या है, आर का मतलब होता है कि रेडियल कंस्ट्रक्शन है आपका टायर, आर का टायर जो है वो रेडियली कंस्ट्रक्टेड है। इसका मतलब द कॉर्ड पाइल्स दे आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, दे आर अरेंज्ड, आप देख सकते हो कॉर्ड पाइल्स दे आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। नेक्स्ट 16, तो ये 16 दोस्तों क्या दर्शाता है, 16 का मतलब है दोस्तों कि आपका टायर का इनर डायमीटर वो कितना है, ये इंचेस में दिया रहता है, ये 16 इंचेस है, तो टायर का इनर डायमीटर वो है 16 इंचेस, 16 इंचेस इनर डायमीटर है। ओके, अभी देखिए ये नंबर जो है फिक्स नहीं रहते है, हर एक टायर का अलग अलग, तो आपको ये नंबर क्या क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है, अगर आपका दिमाग में वो रह गया तो फिर आप इजिली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 87। ओके, ये 87 दोस्तों क्या है, 87 है कि लोड कैपेसिटी ऑफ द टायर। ओके, लोड इंडेक्स, 87 जो है वो लोड इंडेक्स है, लोड इंडेक्स का मतलब लोड कैपेसिटी ऑफ द टायर। तो इससे तो मुझे लग रहा है आपको कुछ समझ में नहीं होगा,
नहीं आया होगा। चलिए अब उसको जानने के लिए दोस्तों आपको लोड इंडेक्स चार्ट देखना पड़ेगा। ओके तो चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं लोड इंडेक्स चार्ट के बारे में। ये आपको जैसे लोड इंडेक्स चार्ट आपको इंटरनेट में मिल जाएगा तो इससे आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको ढूंढना है कि 87 आपका टायर में अभी 87 लिखा हुआ है, तो 87 लोड इंडेक्स दिया हुआ है इसका मतलब वो 545 केजी लोड इन केजी पर टायर। तो इसका मतलब यहां पर दिया हुआ है 545। ओके सो वो 545 केजी वो लोड इन केजी पर टायर, तो यहां पर 545 दिया हुआ है। ओके तो उतना वो बियर कर सकता है, राइट। अभी देखिए भी दिया हुआ है, भी का मतलब होता है स्पीड इंडेक्स, मतलब स्पीड कितना स्पीड में, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द टायर फुल लोड, जब लोड पूरा एकदम फुल होगा तो टायर कौन सा स्पीड में जा सकेगा। ओके उसके लिए भी आपको स्पीड इंडेक्स का चार्ट देखना पड़ेगा। ओके देखिए भी यहां पर हमारा भी है, तो भी का कोड का मतलब अगर आपका कोड भी है तो इसका मतलब है कि वो 240 किलोमीटर पर आवर। ओके उसका स्पीड मैक्सिमम जब लोड हो जाएगा तो वो स्पीड में कितना स्पीड में जा सकेगा, 240 किलोमीटर पर आवर, और एमपीएच में बोले तो 149 एमपीएच या फिर 240 किलोमीटर पर आवर। ओके तो ये सब दोस्तों है। और फिर ये नंबर दोस्तों देखिए 4708 ये एक लिखा रहता है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि 47 वीक में बना हुआ है, और 08 का मतलब होता है इन द ईयर इट इज द टायर इज मेड इन मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2008 में बनाया गया है और 47 वीक से। ओके इससे ये दर्शाता है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों अगर आप याद रखोगे तो टायर का जो भी डायमेंशन है, जैसे कि उसका इनर डायमीटर हो गया, एस्पेक्ट रेशियो हो गया, ये सब लोड इंडेक्स हो गया, स्पीड इंडेक्स हो गया, ये सब दोस्तों आप इजिली पता कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी टायर रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो वो सब उसका नोटिफिकेशन दोस्तों डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहां पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।